ये चिल्ली में तो सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर रहते हैं जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट का देश का जितने भी बड़ा मंत्री यहाँ दिल्ली में रहते हैं। ये जंतर मंतर का प्लेटफॉर्म यही बात होते हैं, पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, यही हर राज्य का दीवान यहाँ रखा जाता है, यहाँ आवाज उठाया जाता है। हम भी त्रिपुरा के ओर से, त्रिपुरा की इंडिजिनियस जनजाति के ओर से यहाँ अपने आवाज 2009 से उठा रहा हूँ। 2009 से कोई भस्ता पहन के पैदल में चल के जंतर मंतर में आया है, कोई सिक्का पहन के अपने काल चल लेके यहाँ भी बैठा है। आप लोग देखे हैं दिल्ली वालों, यहाँ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आईएएस जो बैठे हैं दिल्ली दिल्ली वासियों, हम हिस्ट्री थोड़ा इतिहास दबाना चाहता हूँ। भारत जब शादी नहीं हुए थे तब भारत ये हिंदुस्तान के अंदर करीब 500 आसन प्रिंसली स्टेट थे, यानी प्रिंसली स्टेट राजवंश थे, हिरासत थे, 500 आसन हिरासत थे। तभी जब भारत स्वाधीन हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, भारत का हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, 562 रियासत यानी प्रिंसली स्टेट। ये आप आज का सरदार वल्लभ भाई पटेल लोहा वाला जिनको हम कहते हैं, जिनके कार्य से गुजरात में इतना बड़ा मूर्ति स्टेचू बना है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, इनकी बदौलत से, इनके कार्य से जो 562 प्रिंसली स्टेट रियासत जो भारत के साथ मार्च हुआ था, उनमें हमारे डायनेस्टी मानी का डायनेस्टी मानी का राजवंश त्रिपुरा डायनेस्टी त्रिपुरा त्रिपुरा राजवंश त्रिपुरा रियासत भी था। जब महारानी कांचन प्रभा देवी, आप लोगों को पता है मध्य प्रदेश का देवेंद्र सिंह का जो हमारे राजमाता, उन्होंने जो मॉडल एग्रीमेंट एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट साइन किया था भारत सरकार के साथ 1949 में, हम जो भारत के साथ मार्च हुए थे तब हमको वादा किया गया था, अरे त्रिपुरा वासियों, त्रिपुरा के जनजाति आप लोग त्रिपुरा में मेजोरिटी है, आपको फिगर करने के लिए जरूर नहीं है, आपका संस्कृति, आपका जमीन, आपका शिक्षा, आपका अधिकार, आपका सब लोग हम देख रेख करेंगे, वादा किया था भारत सरकार। लेकिन ये वादा बेंगलुरु में जाए, मैं पुणे में भर के आया हूँ, मुझे पूछा जाता है आप कहाँ से, मैं अगर कला से ना बात करता हूँ पहचानता नहीं, मैं त्रिपुरा से बात करता हूँ तो पहचानते, पूछते के मांगाते थे, ये त्रिपुरा को ऐसे बना दिया कि इंडिया का लोग है, भारत का लोग है, हमको पहचानता नहीं है, त्रिपुरा को ऐसे स्टेट बनाया तो कहां रहेगा हमारा संस्कृति। जब बंटवारा हुआ, धर्म के नाम से बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, पश्चिम पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तान हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान का जो स्टेट है वो है त्रिपुरा को नुकसान हुआ है। त्रिपुरा के अंदर हम जो मेजोरिटी थे, अब हम मेजोरिटी हो गया, माइक्रोस्कोपी हो गया, ये है बात हमारे दुख। कोई आके यहाँ जंतर मंतर में रूता है, कोई आपका जिद्दी दिखाता है, कोई मेमोरेंडम साबित करता है, तो हादम नौ से हम तो यही करता आया हूँ त्रिपुरा के जनजाति। आज तक सोल्यूशन नहीं हुआ, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन चाहिए, वो है नेता त्रिपुरा लैंड के रूप में, भारत भारती के रूप में, क्योंकि बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट हमारे त्रिपुरा के अंदर घुसते घुसते ना रहा हमारा जमीन, ना रहा हमारा भाषा, ना रहा हमारा संस्कृति, ना रहा हमारा पॉलिटिकल
रहे ना रहा हमारे मस्तिष्क रहे कुछ नहीं रहा हम लोग कहीं का कहीं नहीं रहेंगे। इसलिए भारत सरकार के पास हम लोग मांग कर रहे हैं ये आंदोलन से हमारे डेमोन्स्ट्रेशन शांतिपूर्ण से यही तो हम दिखाने के लिए आए हैं मोदी जी और यहाँ के जितने भी दिल वालों से भारत के सभी जनताओं से यहाँ आप लोग देखिए और एक प्रोसेशन और एक डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है उड़ीसा का फिलांथन चल वो भी सरकार स्टेट मांगा है हमसे बांटो है हम भी आप लोगों के साथ है उड़ीसा वालों आप लोग सारा जान के सारे हिमाचल चाहिए आप लोगों के साथ हम भी प्रवासी भी है लेकिन ये भारतवासी हम लोगों को भी देखना चाहिए उत्तर पूर्व के एकमात्र राज्य है जो 185 महाराजाओं ने राज किया वहां के साथ आप लोग हैं महाभारत हिंदू का जो हमारा संस्कृति है महाभारत के साथ हमारा ताल्लुक है हमारा रियासत हमारा राजवंश महाभारत में लेखा है त्रिपुरा के दर्जा कहाँ है त्रिपुरी हमारा राजाओं के दर्जा क्या है आप इतिहास में जाके देखिए तो आप लोग त्रिपुरा में कहा का सुनाने अभी हम दिन दहाड़े हमारे बहने बोल जाते हैं इसका कोई तस्दीक नहीं है दिन दहाड़े हमारे त्रिपुरा हम जैसे देखने वाले हमारे इंडिजिनियस कातिल होते हैं पुलिस के बाती होते हुए भी दिन दहाड़े कातिल होते हैं कोई तस्दीक नहीं है कहाँ जाओ हम लोग यहाँ मेजोरिटी तो वो है पुलिस उनके पास है प्रशासन उनके पास है लॉ ऑर्डर उनके पास है हम त्रिपुरा में रोने से भी बंदूक से लड़ाई करने से भी हम वहाँ युद्ध करने से भी सुनने वाला कोई नहीं देखने वाला कोई नहीं है तो एकमात्र है इसलिए हम लोग हर साल लास्ट ईयर भी हम लोग 3,000 के करीब आए थे यहाँ से आज भी हम ऐसे दुनिया को भारतवासी को हम ये मैसेज हम अपना पॉलिटिकल राइट आप लोगों ने जब इंस्ट्रूमेंटेशन को साइन किया था हम भारत के साथ जब मांग हुआ अब आप लोगों ने जो वादा किया था हमको बचाने के लिए हमको रखने के लिए हमारे अधिकार को देने के लिए जो वादा किया था वह वादा निभाने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं भारत के संविधान के अंदर 2, 3 और 4 सब राज्यों को आपने दिया आपने लद्दाख को दिया उत्तराखंड को दिया आपने कई को दिया हमको भी अभी त्रिपुरा शाह को हमारा इतना पुराना संस्कृति को बचाना है त्रिपुरा शाह को बचाना है हमारा सुंदर एक संस्कृति को बचाना है तो आप हमको अलग एक स्टेज बना के दीजिए हमको अलग राज्य बना के दीजिए नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे हम विलीन हो जाएंगे हम माइक्रोस्कोपी होके सब चले जाएंगे इसलिए हम ये कहते हैं हम यहाँ आए हैं कि आपको दिखाने के लिए हम अभी त्रिपुरा में पूरे त्रिपुरा का एक कथा है त्रिपुरा शाह के और भी त्रिपुरा शाह के साथ साथ बाकी लोगों में बाकी जातियों में हम के साथ आए हैं आप लोग सुनिए देखिए त्रिपुरा के हाल कैसा है अभी आए हम किसी को सरकार में कराने देंगे अगर बनाना है तो उसके बाद ये हमारा मैसेज है सभी को सबको धन्यवाद।